गोगुंदा पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, 6 घंटे में हत्या के आरोपी पुत्र को किया गिरफ्तार। आज 6 घंटे में हत्या के आरोपी पुत्र को गोगुंदा पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ताराशंकर ने पीट पीट कर बेरहमी से की थी पिता की हत्या। हत्या के बाद आरोपी उंडीथल के जंगलों में हो गया था फरार। पुलिस ने टीमें गठित कर आसपास के जंगलों में दबिश देकर आरोपी को अंबागढ़ के जंगलों से दबोचा। उदयपुर में बेटे ने बाप की हत्या कर दी, दोनों की किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इस दौरान शराब के नशे में बेटे ताराशंकर ने पिता हमेलाल की लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने कुछ घंटों के बाद ही गिरफ्तार कर लिया। घटना गोगुंदा इलाके के मलेरिया कला गांव की है। गांव के लोगों को सुबह सूचना मिली, मुख्य चौराहे पर हेडपंप के पास एक खून से सनी हुई लाश देखी। मौके पर काफी खून फैला हुआ था। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने मृतक के भाई कानाराम को सूचना दी। कानाराम ने मौके पर पहुंचकर सरपंच को मामले से अवगत करवाया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बताया कि दोनों बाप बेटे शराब के आदि थे। वहीं उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी उनके बीच में झगड़ा हुआ था। बेटे ने बाप को लाठियों से पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। मृतक के सिर पर चोट के गहरे घाव हैं। सिर में चोट लगने से मृतक बेहोश हो गया। वहीं सिर में गहरी चोट और रात भर सर्दी में पड़े रहने से उसकी मौत हो गई।